हम अभी 15 मिनट पहले थाने से निकले हैं। मेरे को, संगीता को और साक्षी को सिर्फ रिलीज किया गया है, और साक्षी की मम्मी को। बाकी जितने भी लोग हैं हमारे, जितने भी खिलाड़ी थे हमारे, उसमें बजरंग पूनिया भी है, सत्यव्रत भी है, मेरे हस्बैंड भी है सोमवीर राठी, और हमारे जितने भी भाई थे पहलवान थे, हमारे कोचिज थे, किसान संगठन के जो भी नेता हैं वो तो घर में नजरबंद करके रखा है, कुछ लोगों को डिटेन कर रखा है उधर, कोई हरियाणा में है, कोई पंजाब में है, कोई राजस्थान में है, कोई यूपी में है। हमारा पूरा धरना उखाड़ दिया है पुलिस ने, जो भी सबको उठा लिया, जितने भी लोग थे सबको उठा लिया है, चाहे कोई बड़े बुजुर्ग थे, कोई बच्चे थे, कोई जो भी थे, सारे खिलाड़ी, और सारे खिलाड़ी कोई भी अभी छोड़ा नहीं है, सिर्फ हम चार लोग छोड़े हैं, सब लोग अंदर हैं, बजरंग भी अंदर है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज धरने से मत उठना, जो जहां पे बैठा है वहीं पे बैठे रहो। सरकार जानबूझ के अफवाहें फैला रही है कि सबको छोड़ दिया गया है, अभी हमें छोड़ा है जस्ट 15 मिनट पहले। लड़ाई खत्म नहीं हुई, लड़ाई बिल्कुल खत्म नहीं हुई है, हम लड़ रहे हैं, मरते दम तक लड़ेंगे, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक और चीज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, अभी जब हम सीपी इधर थाने में बैठे थे, कालका जी थाने में बैठे थे, उधर प्रदीप कुमार एसीपी हैं, हम लड़कियों की प्राइवेट वीडियोस बना रहे थे, वो चोरी कर छुपके से अपने पर्सनल फोन में, हमें बिना इन्फॉर्म किए। जब हमने ये सब देखा उसके बाद में इन्होंने झटके से डिलीट कर दिया, फिर वो अंदर चले गए फोन का बहाना लगाने के लिए, फिर वो बाहर आए, हम बोले सर वीडियो जो आपने बनाई है वो काटो, क्योंकि वो बहुत प्राइवेट वीडियो आप बना रहे हो बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना कुछ बताए, और वो बहुत गलत है, कोई भी कानून कोई भी संविधान इसके आपको इजाजत देता नहीं है। सुबह से ही हमारे सम्मान को बिल्कुल तार तार कर रहे थे, अंदर थाने में ले जाके भी बिल्कुल पैरों के नीचे कुचल रहे हैं लड़कियों की इज्जत को, थाने के अंदर बिठा के प्राइवेट वीडियोज फोन में बनाना कौन से संविधान में लिखा है। उसके बाद में जब हमने उनका डिलीट में देखा, वो हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहे थे, फिर हमने जाके उनके फोन के डिलीट में देखा तो डिलीट में 7 से 8 वीडियो उन्होंने बना रखे थे हमारे ऑलरेडी, वो उन्होंने डिलीट किए, लेकिन हमें नहीं पता उससे पहले उन्होंने फॉरवर्ड किसी को कर दिए या नहीं कर दिए। ऐसी नीच हरकतों पे इतने बड़े लेवल के अधिकारी नीच हरकतों पे आ गए हैं, सिर्फ देश की बेटियों को बदनाम करने के लिए, हमारी इज्जत को तार तार करने के लिए, हमारी इज्जत को पैरों नीचे रौंदने के लिए, सिर्फ अपने ईगो में, जो ये ईगो में जो बैठे हैं सभी लोग बिल्कुल तार तार करें हमारे मान सम्मान को, इज्जत को सुबह से तार तार किया जा रहा है। हम इतने बड़े गुनहगार नहीं है, हम सिर्फ अपने आवाज उठा रहे हैं न्याय की। उसके बाद भी हमारे लोगों को, अभी हम जहां से आए हैं कालका जी थाने में, हम 6 लोग थे, 4 लोग ऑलरेडी वहां बच गए हैं, हमें नहीं पता उनके साथ में पुलिस अब कैसा बिहेव करेगी, हमें नहीं पता उनके हाथ मारपीट होगी नहीं होगी, वो कितने सेफ रहेंगे कितने नहीं रहेंगे, क्योंकि पुलिस का जो बर्ताव था अंदर वो बिल्कुल बहुत इनसेंसिटिव था, बहुत ज्यादा वो गुस्से में दवेश में बात कर रहे हैं, जैसे हमसे कोई बदले की भावना से बात की जा रही है, जैसे हमने पता नहीं क्या ही कर दिया, और हम गुनेगार, हम किसी का मर्डर करके आए हैं, या हमने ही कोई लड़कियों के साथ में कोई इतना गलत हरकतें की है। फैमिली से बात नहीं करने दे रहे थे, 1000 बार बोलने के बाद की सर हमें हमें बता तो दीजिए हम कहाँ पे हैं, हमारे साथ क्या होने वाला है, कितने घंटे में बिठाए रखेंगे, हमारी फैमिली से बात तो करा दीजिए, किसी ने हमारी नहीं सुनी, सब कुछ इग्नोर कर रहे थे, हमारा फोन छीन लिया जाते ही और एक कमरे में ले जाके बिठा दिया कि ना हमें बताया कि आपको कितने घंटे हम बैठाने वाले हैं, कितने आप कहाँ पे हो, कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं। जब हम बात करने की कोशिश करें, हमारे लॉयर से बात करवा दो, हमारी फैमिली से, क्योंकि सबकी फैमिली अलग अलग है, सबकी फैमिली में चिंता हो रही होगी, हमारी मम्मी पापा भी चिंता में होंगे कि क्या हो गया बच्चों को, कभी किसी के साथ में कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए। हम बोले कि एक बार इन्फॉर्म करने दो कि हमें डिटेन कर लिया, हम ठीक हैं, कोई दिक्कत इतनी नहीं हुई है, हमारी चोट नहीं लगी है, हम सेफ बैठे हैं, लेकिन वो भी बात नहीं करने दी, ना हमारी फैमिली से बात नहीं करने दी, सिर्फ बोले कि एक फोन कॉल अलाउड है, हमने करने दिया आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं करने देंगे। फिर दूसरे बजरंग से हमने बात की बीच बीच में कि बजरंग क्या चल रहा है, बजरंग को भी फोन छीन के बिठा दिया, हमारे तो फोन भी छीन रहे हैं, हमारी तो हर चीज को रोंद रहे हैं, और वो प्राइवेट वीडियोस लड़कियों की बना रहे हैं, ये कौन से कानून में है, कौन से संविधान में लिख रखा है, क्या पूरा देश इसको देख नहीं रहा है, इतनी तानाशाही, इतनी मतलब दरिंदगी हर लेवल पे हमें मार रहे हैं, इतने हमने तो कोई गुनाह नहीं किया, और जो जो अगर हम गलत है ना तो फिर हमें जेल में डाल दीजिए हम इस, लेकिन जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना तो आप लोगों को अभी साथ देना पड़ेगा, जितने लोग भी हमारे साथ में आएंगे ना, नहीं तो सभी एक दिन रोंदने जाएंगे, ऐसे ही जो गलत के खिलाफ आवाज उठाएगा ना उसको ऐसे ही दबा दिया जाएगा। देश की बेटियों के मान सम्मान कैसे रोंदा जा रहा है, सोचो इस लेवल का पुलिस अधिकारी प्रदीप कुमार एसीपी, सोचिए इस लेवल के अधिकारी जब ऐसा काम कर रहे हैं तो छोटे लेवल के लोगों को हम क्या बोल रहे हैं, किसको क्या बोल रहे हैं,
हर जगह पे ब्रजभूषण बैठे हैं, हर जगह पे, जितने भी लोग जहां पे भी बैठे हैं, प्लीज बैठे रहो, किसी को नहीं छोड़ा गया है। झूठी अफवाह फैला रही है पुलिस, जिसको भी छोड़ा जाएगा हम खुद लाइव आके बताएंगे आपको किस किस को छोड़ा गया। सिर्फ मैं, साक्षी, संगीता, साक्षी की मम्मी, सिर्फ चार लड़कियों को छोड़ा गया है, वो भी 7:20 पे, 7:20 पे हमको छोड़ा गया है। और फिर जब वो वीडियो बनाई तब वो ऑफिशियल वीडियो बना रहे थे, लेकिन जो पहले वीडियो बनाई वो प्राइवेट वीडियो अपने फोन में बना रहे थे चोरी से, बिना इन्फॉर्म किए और छुपके से फोन को छुपा के बना रहे थे। प्लीज जो भी जहां पे भी है बैठे रहो, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, हम सच की लड़ाई लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले, हम लड़ेंगे मरेंगे लेकिन लड़ाई नहीं छोड़ेंगे, किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जिसने गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, एक ही हमारी मांग है सिर्फ। आज नई संसद का उद्घाटन हुआ है, क्या ये देश के अध्याय में लिखा जाएगा कि नई संसद का उद्घाटन देश की बेटियों के मान सम्मान को रोंद के बनाया गया है? सीट कर लेकर इतनी जाति हमारे साथ की गई, हम तिरंगा लेके बैठे थे, तिरंगे को भी धरती में से घिसेड़ रहे, हम उठा रहे तिरंगों को, जबरदस्ती तिरंगे को जमीन में डाल रहे वो लोग, हम बोल रहे हैं कि तिरंगा नीचे मत डालो, तिरंगा मिर्च नीचे डालो, तिरंगा के साथ में खिलवाड़ मत करो, उन लोगों ने एक नहीं सुनी हमारी। प्लीज जो लोग जहां पे भी बैठे हो प्लीज वहीं पे बैठे रहो, किसी को नहीं छोड़ा गया है, सिर्फ चार लोग छोटे हैं, बजरंग भी अंदर है, बाकी सभी हमारे पहलवान अंदर है, जितने हमारे कोचिज थे वो भी अंदर हैं, अभी पता नहीं कितने बुजुर्गों को अलग अलग स्टेशन पे लेके जाया गया है, जिनसे संपर्क हो पाया है सभी अंदर हैं। झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि छोड़ दिया है, डिटेन करके रख रखा है, सुबह से हमने एक दाना भी नहीं खाया है, जब से हम पुलिस स्टेशन में बैठे हैं कि हमें बाहर निकालो, हम नहीं खाएंगे, हम सब भूखे बैठे हैं, उसके बाद भी ऐसे सम्मान को, थाने के अंदर भी सम्मान को रोंदा जा रहा है, ये बहुत गलत है, ये बिल्कुल भी अस्वीकार्य है, संविधान में बिल्कुल नहीं है ऐसी चीजें।